वरसाद अंगे हवामान विभाग द्वारा महत्वनी आगाही करवामां आवी छे। आगामी बे दिवस सामान्य वरसादनी शक्यता छे तो अमदावादमां थंडर स्ट्रोम एक्टिविटी थवानी पण शक्यता छे। अमरेली, भावनगर, आणंद, बनासकांठा अने साबरकांठामां वरसादनी शक्यता छे, ज्यारे कच्छ अने उत्तर गुजरातमां 30-40 किलोमीटरनी झड़पे पवन फूंकाय तेवी शक्यता छे। तो सलामतीनी भागरूपे माछीमारोने दरियो न खेडवा सूचना अपाई छे अने वावाझोडા અંગે પણ હવામાન વિભાગે પ્રતિક્રિયા આપી હતી, જે અંતર્ગત હાલ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બની રહ્યો છે તો આગામી દિવસોમાં તેની ગતિવિધિ પરથી તેનો પાકો અંદાજ આવશે અને ચોમાસા અંગે પણ હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે ચોમાસું હાલ શ્રીલંકા તરફ પહોંચી રહ્યો છે, જે આગામી સમય કેરળ પહોંચશે અને ત્યારબાદ ગુજરાતમાં અનુમાન લગાવી શકાશે। गुजरात में एंड वो भी देखा जाए अहमदाबाद, अमरेली, भावनगर, फिर आनंद है, नॉर्थ गोवा में जो डिस्ट्री ऐसे 4-5 डिस्ट्रिक्ट में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आइसलैंड रेन तमेश्वर एक्सपोर्ट करें और उसके बाद ड्राइवर एक्सपोर्ट है डेली डे फॉर एग्जाम में और जहाँ तक टेम्परेचर की बात है नौलासी जाने में मैक्सिमम टेम्परेचर एंड फिशमैन मॉर्निंग है नॉर्थ रेजिडेंसी एंड जो नॉर्थ गोवा को उसके लिए हाई विंड स्पीड रहेगा डे 1-5। अहमदाबाद में क्या स्थिति रहेगी? अहमदाबाद में अभी तंद्री डेवलपिंग हो सकता है देवन डेटो के लिए और उसके बाद अभी कुछ क्लाउडी क्लाउड फ्री हो जाएंगे और हमारे जो टेम्परेचर से अभी 41-42 है डे फॉर डे फॉर में सेल होना रहेगा अहमदाबाद सिटी में। मानसून की क्या स्थिति है सर? देखो अभी तो मानसून का जो है इंडिया अभी अंडमान तक ही पहुँचा है और केरला में और नहीं हो गया असल में और अभी ऐसा फोरकास्ट भी दिया था 4 जून इतने प्लस और माइनस हो रहे वही एक्सपेक्ट करना तो मानसून हो सकते हैं।